हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में डेटा रिपोर्ट्स का। कल हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और किस तरीके से हम डेटा रिपोर्ट को डिज़ाइन करते हैं उसका हमने इनिशियल फेज डिस्कस किया था। आज हम जो है उसका कंटिन्यू लेक्चर डिस्कस करने चाह रहे हैं, जहाँ पर हमारी डेटा रिपोर्ट का डिज़ाइनिंग जो है वह फिनिश हो जाएगी। तो कल हमने इस तरीके का एक इंटरफेस क्रिएट किया था कि आपने देखा होगा कि फर्स्ट वहाँ पर क्या था, जब हमने टेस्ट कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर लिया था, उसके बाद हमने क्या किया था कि यहाँ पर डेटा एनवायरनमेंट, देन कनेक्शन वन जो हमने कनेक्शन बनाया था, देन कमांड वन में हमने क्या दिया था, ये सारी फील्ड्स जो हैं आईडी, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मार्क्स, इनको हमने एंटर कराया था। ठीक, अब इस पर हम वर्क करेंगे पर्टिकुलरली कि हमें यह डेटा एक सिंपल फॉर्म पर किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ कमांड कंट्रोल हम डिस्प्ले कराएं। सो आफ्टर वर्किंग एनवायरमेंटल फेज, देन वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप। यानी कि जब हम अपना वर्क फिनिश कर लेते हैं, हमारी एनवायरमेंटल फेज से जो है वर्किंग फिनिश हो जाती है हमारी, तो हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं फॉर द डिज़ाइनिंग पर्पस ऑफ रिपोर्ट। फर्स्ट, राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट। अब होता क्या है कि ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द विजुअल बेसिक आईडीई देयर इज द ऑप्शन प्रोजेक्ट विल बी विजिबल। यानी कि जो हमें दिख रहा होता है वहाँ पर एक ऑप्शन राइट हैंड साइड में हमारा अवेलेबल होता है विजुअल बेसिक आईडीई का। जब हम फॉर्म ओपन करते हैं उसका नाम होता है प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। ऑन द क्लिक इवेंट पर हम तुरंत ऑप्शन आता है आपका ऐड और डेटा रिपोर्ट का। ठीक, तो उसके बाद क्या, या तो आपको प्रोजेक्ट पर आप प्रोजेक्ट में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं या फिर प्रोजेक्ट की आप डेटा रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, तो उसके जस्ट बाद जैसे ही आप डेटा रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है आपके सामने। इस तरीके का एक आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाता है जिसमें कि आपका दे रखा है फर्स्ट सेक्शन जो दे रखा है रिपोर्ट हेडर सेक्शन। रिपोर्ट हेडर सेक्शन से हम समझते हैं जनरल कि हमारी रिपोर्ट हेडर सेक्शन में जितनी भी हमारी मतलब जो भी हमारी रिपोर्ट की हेडिंग होगी वो हमारे यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। ठीक, देन नेक्स्ट आता है पेज हेडर सेक्शन। ठीक, पेज हेडर सेक्शन में हमारा क्या होगा, जो हमारे पर्टिकुलर फील्ड्स हैं यहाँ पर वह चीज़ें डिफाइन हमने कर रखी हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा डिटेल सेक्शन, यानी कि जिस डिटेल पर अभी हम जिस पेज पर अभी हम वर्क करके आए हैं यहाँ पर उसकी डिटेल्स को स्पेसिफाई किया हुआ है। ठीक, देन नेक्स्ट आता है हमारा पेज फुटर, देन नेक्स्ट आता है हमारा रिपोर्ट फुटर। ठीक, अब ध्यान रखने की बात है कि एग्जामिनेशन में आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्टूडेंट रिपोर्ट। तो उसमें आप यह भी लिख सकते हैं कि देयर आर फाइव एलिमेंट्स ऑफ स्टूडेंट रिपोर्ट, नेम्ड रिपोर्ट हेडर, पेज हेडर, डिटेल सेक्शन, पेज फुटर और रिपोर्ट फुटर। ठीक, अब उसके बाद क्या है कि सपोज़ कीजिए यहाँ पर अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट अभी स्टूडेंट रिपोर्ट लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करते तो यहाँ पर सिंपल लेवल वन लिखा हुआ आता है। तो जनरली इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि इस पोर्शन पर हम राइट क्लिक करते हैं और इंसर्ट कंट्रोल पर जाकर क्लिक करते हैं। इंसर्ट कंट्रोल में हमने क्या किया, लेवल यहाँ पर लिया। तो यहाँ पर जब हम लेवल ले लेते हैं लेवल, तो हमारे यहाँ पर लेवल डिस्प्ले होने लगता है। तो हम लेवल की प्रॉपर्टीज़ में जाकर कैप्शन प्रॉपर्टी की हेल्प से यहाँ पर स्टूडेंट रिपोर्ट लिख देते हैं। ठीक, सेम क्या है नीचे अगर हम बात करें डिटेल सेक्शन की, तो डेटा रिपोर्ट कंट्रोल क्लिक प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पर क्या करना होता है कि हमें डेटा रिपोर्ट जो है वहाँ पर कंट्रोल क्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि हमें यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करना होता है। राइट क्लिक से हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पर कि कंट्रोल क्लिक प्रॉपर्टी का, देन हम उसमें जाकर एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं डेटा मेंबर। डेटा मेंबर यानी कि कमांड वन का ऑप्शन। कमांड वन हमारी कहाँ पर है, ये कमांड वन। ठीक, ये हमारी कमांड वन है। ठीक, देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा डेटा सोर्स, जिसमें हम लेते हैं एनवायरनमेंट वन, जिसमें हम लेते हैं एनवायरनमेंट वन यानी कि डेटा एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से हम अपने ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जिसकी हेल्प से ये क्या होता है कि हमारी जो प्रीवियस हम इस एनवायरनमेंट की जो बात कर रहे हैं, इस इंटरफेस की जो बात कर रहे हैं, यहाँ से डेटा को फेच करने के लिए हम इन ऑप्शंस को चूज़ करते हैं। ठीक, अब
यहाँ पर सपोज कीजिए, अब आपके सामने यह डेटा दे रखा है, आईडी, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट मार्क्स। हमने करना क्या है कि जब हम इस पोर्शन पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ठीक, राइट क्लिक, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो हमारे पास इस तरीके का ऑप्शन आ रहा होगा। तो इस ऑप्शन को हम ड्रैग करके हेडर ऑप्शन पर ड्रॉप कर देंगे, देन इस ऑप्शन को हम ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, ठीक। अब होगा क्या इससे कि इसका डेटा जो है वो वहाँ तक हम पहुँचाते हैं 1x1। अब होगा क्या अगर आप चाहें कि इस डेटा को आप यहाँ पर ड्रॉप कर दें और इस डेटा को आप यहाँ पर ड्रॉप कर दें, तो यह पॉसिबल नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो कंपाइलर है वह इसको खुद ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। मींस जो डेटा जिसका है वह उसी को एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरीके से हम इस टेबल में डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब आप देखें कि अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं कि देयर आर 5 सेक्शंस ऑफ डेटा रिपोर्ट। फर्स्ट वन इज़ रिपोर्ट हेडर, सेकंड वन इज़ पेज हेडर, थर्ड वन इज़ डिटेल सेक्शन, एंड द फोर्थ वन इज़ पेज फुटर, एंड द लास्ट वन इज़ रिपोर्ट फुटर, ठीक। अब जब हम उस तरीके का डेटा प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हमें यहाँ पर आप देख रहे होंगे एमएस एक्सेस में हम इस तरीके से अपनी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, ठीक। यानी आईडी में हमने 3 स्टूडेंट्स की आईडी ले ली सिक्वेंसली, देन हमने उनका रोल नंबर एंटर करा दिए यहाँ पर, देन उनके नेम एंटर करा दिए हमने, देन उनके मार्क्स एंटर हमने यहाँ पर करा दिए। ऊपर क्या होता है हमारे पास जूम का ऑप्शन होता है, जूम के ऑप्शन की हेल्प से हम इसको जूम करके, जूम इन आउट करके, यानी कि इसका जो पेज साइज़ है या फॉन्ट साइज़ को हम इंक्रीज और डिक्रीज करके इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं हम, या फिर इसको हम एज अ रिपोर्ट सेव रहने दे सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है यहाँ पर हमारा कि डेटा शो इन डिटेल सेक्शन इन रिपोर्ट विच कम्स फ्रॉम एनवायरनमेंट, मतलब जो हमारा डेटा है वह हमें डिटेल सेक्शन में शो होता है इन डेटा रिपोर्ट में, तो जो कि हमें डेटा एनवायरनमेंट की हेल्प से मिलता है। अब आपको क्या करना है, आप इस तरीके का एक फॉर्म बनाएंगे, इस तरीके के फॉर्म पर आप एक कमांड बटन लेंगे विद द हेल्प ऑफ टूल बॉक्स। आपने क्या करा, टूल बॉक्स की हेल्प से यहाँ पर एक कमांड बटन इनेबल किया, देन उस कमांड बटन पर जाकर आप डबल क्लिक करेंगे तो उसकी कोड विंडो ओपन होकर आ जाएगी। जब उसकी कोड विंडो आपके सामने ओपन होकर आ जाए तब वहाँ आप लिखेंगे प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक, यह ऑलरेडी लिखा हुआ होगा वहाँ पर। देन बीच में आपको बस एक लाइन टाइप करनी होगी, डेटा रिपोर्ट डॉट शो, डेटा रिपोर्ट डॉट शो, यानी कि जब आप इस कमांड 1 बटन पर क्लिक करोगे, जब आप इस कमांड 1 बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से विदाउट रो एंड कॉलम एक पेज ओपन होगा, जिसमें कि स्टूडेंट रिपोर्ट नाम से सारा डिटेल हमारे पास अवेलेबल होगी। इस तरीके से हमारे पास पूरी डिटेल इस तरीके से अवेलेबल होगी विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड बटन डेटा रिपोर्ट, यानी कि पहले हमने डेटा रिपोर्ट शो कर ली, डेटा रिपोर्ट सॉरी कि हमने पहले बना ली। डेटा रिपोर्ट बनाने के बाद हमने क्या करा, उसको पहले टेबल्स के थ्रू हमने उसको डेटा कनेक्ट करवाया सारा, ठीक है। टेबल के थ्रू डेटा कस्टमर कनेक्ट हो गया सारा ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से। फिर हमने क्या करा कि हमने यहाँ पर कमांड बटन लेकर यहाँ पर कमांड बटन पर कमांड लगा दी डेटा रिपोर्ट डॉट शो। अब क्या हुआ, डेटा रिपोर्ट तो हमारे पास प्रिपेयर है ऑलरेडी, अब उसको हमने शो करने के लिए कमांड लगा दी। अब जैसे हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डेटा रिपोर्ट अवेलेबल होगी। तो इस तरीके से ये हमारा डेटा रिपोर्ट का जो सेक्शन है वही हमारा फिनिश होता है। तो आइए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इसको कि प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो डेटा एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस किया था, उस पर कनेक्शन जो एस्टेब्लिश किए थे उसके बारे में डिस्कस किया था। देन कमांड 1 के थ्रू हमने क्या किया था, वहाँ पर इंटरफेस में एक 4 फील्ड्स क्रिएट की थी, आईडी, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मार्क्स। देन जब हम एनवायरनमेंट फेज पर हमने वर्क कर लिया, उसके बाद हम जब आगे की ओर बढ़ रहे हैं डिज़ाइनिंग फेज में, तो हमने क्या करना है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले राइट हैंड साइड में फॉर्म के क्या है, प्रोजेक्ट अवेलेबल होता है ऑप्शन, हम उसको राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस ओपन होकर आ जाते हैं, ऐड और डेटा रिपोर्ट। हम डेटा रिपोर्ट को फर्दर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का एक फॉर्म ओपन होकर आ जाता है, जिसमें हम क्या है राइट क्लिक की हेल्प से अपने डेटा को चेंज एंड अपडेट कर सकते हैं। अब आपने देखा यहाँ पर क्या है, रिपोर्ट हेडर में हमने राइट क्लिक किया, देन
इंसर्ट कंट्रोल की हेल्प से लेवल ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर स्टूडेंट को स्टूडेंट रिपोर्ट नाम दे दिया, ठीक। और यहाँ पर क्या है, डेटा रिपोर्ट कंट्रोल की प्रॉपर्टी से हमने क्या करा कि डेटा को उसके सोर्स का नेम दिया, यानी कि हमारा डेटा हमें कहाँ से प्रोवाइड होगा, एनवायरनमेंट वन से। देन डेटा मेंबर क्या है हमारा, कमांड वन हमारा डेटा मेंबर है यहाँ पर, ठीक। तो हमने इस तरीके से डेटा ऐड करा दिया। अब हमने क्या करना है कि हमने जिस पोर्शन पे जाएंगे इस पर राइट क्लिक करेंगे तो इसका ऑप्शन ऊपर आ जाएगा, तो हम यहाँ से डेटा को ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देंगे आईडी पर। देन ये डेटा हम यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। यानी कि यह डेटा अपने ही प्लेस पर ड्रॉप होगा, अनदर प्लेस पर ड्रॉप नहीं होगा, ना ही अनदर फील्ड उसको एक्सेप्ट करेगी। यहाँ पर क्या हमने जाना कि हमारा जो डेटा रिपोर्ट्स होती हैं उनके 5 सेक्शंस होते हैं, रिपोर्ट हेडर, पेज हेडर, रिटेल सेक्शन, पेज फुटर, रिपोर्ट फुटर, ठीक। अब यहाँ पर हमने देखा कि हमने यहाँ पर एक कमांड बटन लिया, उस कमांड बटन पर डबल क्लिक करके हमने यहाँ पर कोडिंग की। कोडिंग में हमने देखा कि हमने एक कमांड लगा दी यहाँ पर डेटा रिपोर्ट डॉट शो। डेटा रिपोर्ट डॉट शो क्या होगी, जो अभी हम डेटा रिपोर्ट बना कर आ रहे हैं ये यहाँ पर शो कमांड, डॉट शो कमांड जो होगी यहाँ पर उसको डिस्प्ले करने का वर्क करेगी। तो हम जैसे इस कमांड को लिखने के बाद कमांड बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके की डेटा रिपोर्ट अवेलेबल हो जाती है विदाउट रो एंड कॉलम। हमारे पास इस तरीके की टेबल अवेलेबल हो जाती है जिसमें कि हमारे स्टूडेंट की रिपोर्ट हमें विजिबल होने लग जाती है, लाइक आ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट की तरह। सो आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक था डेटा रिपोर्ट एंड इट्स डिजाइनिंग, वह हमारा आज फिनिश होता है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं सिलेबस के लिए। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।